सबो को जय येसु। मेरा नाम रोजी सरकार है। मैं आसनसोल धर्म प्रांत के चितरंजन पल्ली से बोल रही हूँ। बाइबल से लिया गया है पहला सामुएल अध्याय पहला, शीर्षक हन्ना की संतान हिंता की पीड़ा। इफ्राइम के पहाड़ी देश में एलकाना नाम का एक पुरुष रहता था, जिसकी दो पत्नियाँ थीं। एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के छोटे छोटे बच्चे थे, परंतु हन्ना के कोई संतान नहीं थे। पनिन्ना उसे ताने मारा करती थी, उसे चिढ़ाती थी, जिससे वो दुखी रहती थी। अलकाना पन्ना से ज़्यादा हन्ना से बहुत बहुत अधिक प्रेम करता था। हन्ना एक धार्मिक स्त्री थी। वह प्रतिवर्ष परमेश्वर के मंदिर जाया करती थी। अपने दुखों से दुखी होकर वह रोती और बिलखती हुई परमेश्वर के मंदिर जाती है। सेना, तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को कभी ना भूले और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा के चरणों में अर्पण करूँगी और उसके सर पर उस तरह ना फिरने पाएगा। सामने बैठा एलियाजर शब्द ना सुनने के कारण कहता है कि तू अपना नशा उतार, कब तक तू नशे में रहेगी। तब हन्ना कहती है, नहीं नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो एक दुखिया हूँ, मैं नशे में नहीं हूँ और ना ही मैंने दाग पी हूँ। मैं अपने दुखों को यहोवा के सामने खोलकर बता रही हूँ। बहुत चिढ़ाए जाने और सताए जाने के बाद मैं अपने मन की स्थिति को परमेश्वर को बता रही हूँ। अन्ना की प्रार्थना के से परमेश्वर खुश होते हैं और उसे एक पुत्र देते हैं, जिसका नाम सामुएल रखा। हन्ना सामुएल को लेकर परमेश्वर के मंदिर जाती है। हे यहोवा, तूने मुझे कितना सुंदर पुत्र दिया है, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने पुत्र को तेरे चरणों में जीवन भर के लिए अर्पित करती हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। हे यहोवा, तूने मेरे शत्रुओं के मुंह को बंद कर दिया है, तूने मेरे शत्रुओं के सामने मेरे सर को ऊंचा किया है। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ, तेरी स्तुति करती हूँ। आमीन। इस कहानी के द्वारा मैं सबों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने हृदय की बातें, दुख तकलीफ और गुप्त बातें सिर्फ परमेश्वर को बतानी चाहिए, क्योंकि वही है जो हमें सही राह दिखाते हैं, वही है जो हमें छुड़ाते हैं, अर्थात वही हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर की योजना में हमारे लिए हानि नहीं बल्कि लाभ होता है। सबों को जय येसु। महिला दिवस के शुभ अवसर पर सबों को शुभकामनाएं।